ए, नानी बंद करो। हाँ हाँ ठीक है। फैन बंद करने को नहीं कहा था? करंट गई सर, 4 घंटे बाद आएगी। 4 घंटे करंट नहीं है? ब्लडी विलेज मैन, कहाँ आके फंस गया? मॉर्निंग गुड सर। भाड़ में कही तेरी मॉर्निंग। अरे मोटू, रात में एक लड़की मेरे रूम में आई थी। कौन थी वो? ब्यूटीफुल गर्ल सर। हाँ यस वही। ब्लैकमेल, टेकिंग आउट, गिविंग इन लगती है सर। अबे तुझे हिंदी आती है ना, तो हिंदी में बात करना। अरे गाय का दूध लेकर आई थी जो वो लड़की। दूध वाली लड़की? सर। अरे गणेश, नो करंट, नो रोड्स, नो फोन सिग्नल्स। अरे यहाँ कोई साधन ही नहीं है यार, और जीने के लिए हेरिटेज होटल से खाने का इंतजाम करवाना पड़ेगा। तू कुछ भी करके अपना वो बैल है ना राजू, उसे बोलकर फोन करवा। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले मुझसे वादा करो ऐसे। हमेशा खुश रहो। मुझे पैसे चाहिए नानी। पैसे चाहिए? मैं अभी किसी को भेजकर मंगवाती हूँ। जल्दी मंगवाओ, और थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा। ये पैलेस, ये प्रॉपर्टीज, लैंड्स, फार्म्स, सब मुझे चाहिए। सब कुछ तू ले ले बेटा। सच में? अनबिलीवेबल, ये सब मैं ले लूं? ये सब तेरा ही तो है बेटा, तेरे सिवा मेरा कौन है? थैंक्स नानी माँ, आज यकीन हुआ मेरा भी कोई है दुनिया में। मैं सच में ले लूं? किससे बातें कर रही है माँ जी? पहले ये बताइए कि इसे कहाँ रखूं? मैं अपनी नानी से बात कर रहा था। ए, किस नानी की बात कर रहे हो? पहले ये बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं? है ना, शी इज फाइन, अच्छे से है। उन्होंने ही तो मुझे यहाँ भेजा है। ऐसा है क्या? हाँ? तो फिर इन्हें तुम्हारे मम्मी पापा अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? आप जाएंगे ना माँ? हाँ हाँ जरूर जाऊंगी। मैं अपनी बच्ची से इतने साल दूर रही हूँ, मुझे वो अभी मुमकिन नहीं है। कोई अच्छा ओल्ड एज होम देकर इन्हें वहाँ भेज देंगे। क्या कह रहे हो, इन्हें ओल्ड एज होम भेजना चाहते हो? नानी माँ, ये पैलेस तो मेरा ही है ना, आपकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरी है ना। ये सब तेरा है, तेरा ही अधिकार है बेटा। सुन लिया ना, अब चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो, जाओ, चलो निकलो यहाँ से। हाँ, ये डायलॉग तो किसी फिल्म का लगता है। अरे हाँ, मुंह में जबान है छुआरे भर की, पर बातें बोझ भर की। नानी माँ, ऐसे पागलों को यहाँ से निकाल दूँ? हम लोग एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो, यही हमारी कोशिश है। हर देश में हमारे बड़े बड़े होटल्स हों, फॉरेनर्स आए तो पागल हो जाएं। वाह 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 वाह, क्या प्रॉपर्टी है सर। अगर ये हम ले लेते हैं ना, तो 5 सालों में इसका नक्शा बदल जाएगा। तुम्हें मंजूर है ना? ओके ओके, लेकिन इधर ओपन बार सिटिंग्स, फाउंटेन्स। क्या हो रहा है बेटा? औरत कौन है, उसे ऐसा पता है क्या? उससे हमें क्या? वो सब छोड़ो ना। ए रुको रुको, मैं अपनी जगह नहीं बेचूंगी। इसकी बातों में मत आइए, ये पागल है। कुछ नहीं होगा। ये तू क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं नानी माँ, तुमने रात में क्या कहा था याद है? कहा तो था, लेकिन मैं इस घर को किसी भी हाल में नहीं बेचूंगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप यहाँ के मालिक नहीं है? मतलब एक्चुअली मैं ही हूँ सर, बट लिटिगेशन बहुत प्रॉब्लम होगी सर। देन वी विल ड्रॉप। सर 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 सुनिए सर, इधर आ बेटा। बेटा मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से आज तक इसी घर में रही हूँ। इस बुढ़ापे में यहाँ से निकालोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं बेचना है, जाओ। अरे नहीं चाहिए, मालकिन ने जो कहा सुना ना, चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ। अरे वाह, आपकी ही कमी थी, थैंक यू सर। सर चलिए सर, मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये प्रॉपर्टी कोई हलवा नहीं है, जो बॉक्स भर भर के लेकर। क्या प्रॉब्लम है तेरा? कितनी बार कहा कि तुमको इस मैटर में दखल देने की जरूरत नहीं है, कितनी बार समझाना पड़ेगा? तू जिसकी कोख से पैदा होकर यहाँ तक पहुँचा है ना, मैं उन्हीं के साथ खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। तुम्हारा नाम SVR नहीं बल्कि अमरीशपुरी रखना चाहिए। विलन भी कभी कभार हीरो पर भारी पड़ जाता है। भारी? ये मुझ पे भारी पड़ेगा?